सहचर जो पौधा है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बार्लेरिया प्रायंटिस नाम से जाना जाता है। ये अकेंथेसी कुल का पौधा है। इसके फूल जो है पीले रंग के होते हैं और जब फूल होते हैं तो बहुत ही अच्छा ये पौधा दिखता है। हम एक अच्छा ऑर्नामेंट करके भी इसको लगा सकते हैं। ये हमारा देसी पौधा है, नेटिव पौधा है, नेटिव प्लांट है और औषधीय महत्व इसका बहुत ही सारा है। ऐसा ही खरपत करके पड़ा रहता है, नदियों के किनारे पे होता है, रास्ते के दुतर्फा होते हैं, जंगल में भी ये पौधा पाया जाता है। लेकिन इसका औषधि गुण के बारे में अधिक जानकारी हम आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मीनल मैम से ले लेते हैं। मैम, इसके ये पौधे के बारे में, सहचर के बारे में, जिसको मराठी में काटे क्वारंटी बोला जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। ये सहचर या सैरेयक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। ये सबसे अच्छा वातशामक वेदना स्थापक है, इसलिए इसे सैरे यहा कुष्ठ वातास्त्र कफ कंडु विषापहा ऐसे बोलते हैं। ये तिक्त यानी कड़वा है, उष्ण है, मधुर है लेकिन अम्ल नहीं है। तो सुस्निग्धा केश रंजना यानी केश रंजन के काम में भी, केश को कलर देने के काम में भी ये आता है। सहचरादि तेल इससे बनाया जाता है। हाँ, सहचरादि तेल इससे बनाया जाता है। इसका पंचांग यूज होता है, मूल होता है, जड़ होता है? पूरा पंचांग यूज, इसका पंचांग यूज में होता है। सिर्फ मूल या सिर्फ ये नहीं आता, लेकिन केश रंजन के लिए इसका मूल यूज आता है। केश अगर बढ़ाना है, केश के रोग मुक्त करना है और सहचरादि जो तेल है अगर वो बनाना है तो ये जो बार्लेरिया है इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। मैम, इसके औषधि गुण जो है आयुर्वेद में काफी सारे दिए हुए, उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। तो ये उष्ण है, वात का शमन करने वाला है, कफ का शमन करने वाला है, इसलिए इसका ना अनुवासन बस्ती, सहचर तेल का अनुवासन बस्ती बहुत प्रचलित है। ये संधिगत वात, आम वात या जोड़ों का जो दर्द हो, जोड़ अगर अकड़न आ गई हो शरीर में, तो ये झट से छुट जाती है सहचर अनुवासन बस्ती से। सहचरादि तेल हम घर में बना सकते हैं और उसका उपयोग क्या है? नहीं, घर में बना सकते हैं। जैसे सहचर का पूरा पंचांग आपने पहले सुखाना चाहिए, वो अगर एक भाग आपने ले लिया, उसका भरड़ चूर्ण बोलते हैं हम, कोर्स पाउडर, तो उसमें आपने 16 पट उसमें पानी डालना है और सिर्फ उसके 4 पट यानी 4 गुना तेल डालना है। तेल तिल का होना चाहिए, वो सबसे अच्छा वातशामक, अच्छा तेल बनता है। हाँ, सहचरादि तेल वातशामक तेल होता है वो, तो 1 आस 4 आस 16 ऐसा उसका प्रमाण लेना जरूरी होता है। इसका जो अगर लागत करना है, कल्टीवेशन करना है, तो तनों के कटिंग से ये आ जाता है। उसके 3 नोड या 2 नोड का कटिंग अगर आप ले लेते हैं तो कटिंग से इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। लेकिन सहचर जो जंगल में पाया जाता है वो अभी कम होने लगा है। इंडस्ट्री की मांग, कंपनी की मांग काफ़ी बढ़ चुकी है और इसलिए सहचर का खेती होना जरूरी है। ये जो बार्लेरिया प्रायंटिस है आप ऑर्नामेंट करके भी लगा सकते हैं, ये आप लाइव फेंस करके भी खेत के बाजू में लगा सकते हैं, उसका उत्पाद भी मिलेगा और आपका खेत का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। तो अब पंचांग जो है, पंचांग औषधि है, इसलिए पूरा पौधा उखाड़ कर आप, अगर आपको दूसरे साल में भी रखना है तो ऊपर का भाग आप काट के भी बेच सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ही पड़ा हुआ जमीन है जो बैरन लैंड्स बोलते हैं, ऐसे ही लैंड्स में, वेस्ट लैंड्स में भी हम लगा सकते हैं। तो और उसका हम जरूर संवर्धन करें, कॉन्जर्वेशन करें। मैम, आप इसके बारे में और कुछ बताना चाहती है तो बता। जैसे आपने बोला कि सर पूरा पंचांग यूज में आता है, तो पंचांग निकालने के लिए भी ग्रंथों में बताया गया है कि ऐसे अगर उसके जो बीज है वो अगर फट के नीचे आ जाए यानी जमीन पे पड़ जाए और उससे नए पौधे निकलने लगे तब भी उसका संग्रहण करना चाहिए। तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जो है, शाश्वत पद्धति से कैसे उसका हार्वेस्टिंग करें, ये भी आयुर्वेद में बताया गया है। जब भी बीज गिर जाते हैं तभी उसका पंचांग जमा करना है, वो हमें यूज करना है और हमें जो हमारे जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उसका संवर्धन करना है। धन्यवाद।